गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक दैट यू आर ऑल फाइन एंड बी हैप्पी इन योर होम. नाउ वी विल स्टार्ट क्लास 8th, चैप्टर 1, रिसोर्स. ज्योग्राफी का लेसन 1 है रिसोर्स. रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे. रिसोर्स होता क्या है? जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, वो सारा हमारा रिसोर्स में आता है. कोई भी चीज़ जो कि हम नेचुरली हमें प्राप्त हो जाती है, तो उस नेचुरली नेचर से जो भी हमें प्राप्त हो जाता है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. लेकिन वो एज इट इज़ उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसमें कुछ ना कुछ हम प्रिपरेशन करते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल यूज़ करते हैं, इसके बाद वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है. तो उसको हम डिटेल में समझेंगे. रिसोर्स क्या है? रिसोर्स एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड इज़ कॉल्ड रिसोर्स. रिसोर्स क्या होता है? जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं और उस चीज़ के द्वारा हम सेटिस्फाइड होते हैं, यानी कि हमारा सेटिस्फेक्शन होता है. जैसे कि फूड है, उसको जब हम खाते हैं तो हमें हमारी भूख शांत हो जाती है. जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें अपने मेंटली पीस मिलती है उसको सुन करके. बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा एंटरटेनमेंट होता है. टीवी देखते हैं तो हमारा एंटरटेनमेंट होता है. फ़ोन देखते हैं तो हम बहुत सारी नॉलेज भी गेन करते हैं और उससे पढ़ाई भी करते हैं, जैसे कि आप भी इस टाइम पढ़ाई कर रहे हो. तो ये सारे हमारे रिसोर्स होते हैं. ठीक है, तो एनी थिंग दैट कैन बी यूज्ड, जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं और सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड. नीड मीन्स होती है हमारी नेसेसिटी, ज़रूरत, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, वो रिसोर्स कहलाती है. ओके, नाउ वैल्यू ऑफ रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू होती है और कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी हमारे लिए वैल्यू नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी उनकी अपने आप में वैल्यू होती है. देखेंगे कैसे. यूटिलिटी, वैल्यू ऑफ रिसोर्स. अब जो रिसोर्स है उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसके आधार पर अ पर्टिकुलर थिंग हैज़ सम यूज़. जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई विशेष चीज़ है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए वैल्यूएबल हो गई. लेकिन जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है. जैसे कि एग्जांपल के लिए क्ले, जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, बल्कि हमारे घर में अगर मिट्टी कूड़ा करकट आ भी जाता है तो हम उसे बाहर फेंक देते हैं. तो इसी तरीके से, लेकिन क्ले, अगर एक हम पॉटर की बात करते हैं, उसके लिए क्ले की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. वो इस क्ले से मिट्टी के बर्तन बनाता है और क्ले ईंट बनाने के काम आती है. बहुत सारी चीज़ों में क्ले काम आती है, लेकिन हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं है. तो हमारे लिए वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ बेकार है, किसी के भी यूज़ की नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारे लिए यूटिलाइज़ नहीं है तो वो दूसरे के लिए यूटिलाइज़ हो सकती है. ठीक है, फिर हमारा है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स. कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मींस जिससे कि हम अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, मीजर्ड इन मनी. तो ऐसे रिसोर्स मनी के रूप में मीज़र किए जाते हैं जिससे कि हमें अर्निंग होती है, पैसे कमाते हैं, तो वो हमारे लिए कैसे कहलाते हैं? इकोनॉमिक वैल्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं. सम रिसोर्स हैव वैल्यू. कुछ रिसोर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. सम डू नॉट हैव. लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं, होते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन उनकी वैल्यू नहीं होती है, उनकी हम कीमत नहीं लगा सकते हैं. जैसे कि डायमंड. डायमंड है, बहुत वैल्यूएबल है, तो ये इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मीज़र हम इसको करते हैं मनी के अंदर. वैल्यूएबल भी है हमारे लिए. लेकिन एयर, एयर उससे भी ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल है, लेकिन एयर हम मीज़र नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको हम मनी में तोल नहीं सकते हैं. तो दोनों ही रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं. इकोनॉमिक वैल्यूएबल वाले रिसोर्स उन्हें कहते हैं जिनकी हमारे पास मनी आती है. और एयर है, वो मनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मनी के साथ उसको मीज़र नहीं कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन हमारे लिए. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज तीन तरीके के हैं, नेचुरल रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स. तो आज आप सिर्फ नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ोगे और बाकी जो मैनमेड रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं वो उनको आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे. तो नेचुरल रिसोर्स का भी ओनली वन पॉइंट मैं आपको क्लियर करूँगी. तो नेचुरल रिसोर्स टेकन बाय नेचर. जैसा कि नेचुरल है तो जो हमें नेचर से मिलता है, सिंपल सी डेफिनेशन है,
तो आप उसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हो, जैसे कि ये पेड़ पौधे फल फ्रूट सब्जी सब कुछ हमारा नेचुरल रिसोर्स कहा जाएगा। इसमें वाटर आ जाता है, एयर सॉयल मिनरल्स जितने भी हम ज़मीन को खनन करके निकालते हैं, रॉक्स जितनी भी चट्टानें हैं, ये सारी हमारे नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। अब हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है उसका एक पॉइंट है कि उसके पांच पॉइंट हैं, पांचों पॉइंट में से आपको मैं सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करूंगी। फर्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, सेकेंड पॉइंट है ओरिजिन, थर्ड है स्टॉक, फोर्थ है स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फिफ्थ है एक्सहॉस्टिबिलिटी। ओनली वन पॉइंट डिस्कस करूंगी मैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, यानी कि जो रिसोर्स हैं नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हम डेवलपमेंट और यूज़ के आधार पर करते हैं। एक्चुअल रिसोर्स होता है उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एक्चुअल रिसोर्स, क्वांटिटी इज़ नोन एंड यूज्ड, जिन रिसोर्स की क्वांटिटी हमें पता है कितनी मात्रा में हमारे पास ये अवेलेबल है तो उसे हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल है आपका कोल ऑफ झारखंड, जैसे झारखंड की हम बात करते हैं वहाँ पर जो कोल है उसको हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं और हमें पता भी है कि ये कोल कितना है और कहाँ कहाँ में यूज़ करना है, पूरी तरीके से झारखंड में जितना भी कोल है उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और जैसे वाटर इन गंगा है तो गंगा में जितना भी वाटर है उस सबको हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिंचाई के लिए सभी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उनको हम एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्चुअल रिसोर्स हैं, हमें पता है इनकी कितनी क्वांटिटी है और ये कहाँ कहाँ हमें यूज़ करते हैं उसको हम एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।